हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ। बहुत टाइम से हम लोगों ने सोच रहे थे कि हम एक सुंदरकांड का पाठ अपने घर पे करें, तो फाइनली आज है वो दिन। गेस्ट के आने से आधे घंटे पहले सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है। हमने और बच्चों ने मिलकर करी है बहुत अच्छी डेकोरेशन। फूलों की माला लग चुकी है, पूरा एक पूजा वाला माहौल हमने बना लिया है, फीलिंग आ रही है। हमने बीच में इन लोगों के बैठने के लिए गद्दे बिछा दिए, कारपेट बिछा दी है, दरी बिछा दी है, और एकदम भगवान जी को स्थापित करने से पहले पूरा घर साफ करके एकदम नीट एंड क्लीन करके हम हो गए हैं तैयार। और हम लोग बस यहाँ पे थोड़ी देर में भगवान जी को बिठाएंगे। ये हमने भगवान जी को बिठाने का, हनुमान जी को और श्री राम को बिठाने का स्थान बना लिया है। यहाँ पे थोड़ी देर में उनको विराजमान कराएंगे। थोड़ी सी और डेकोरेशन दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारा किचन एरिया। किचन एरिया में हमने डाइनिंग टेबल को लगा दिया है बिल्कुल एंड में, ताकि जो भी लोग सामान लाए या जो भी प्रसाद आएगा वो वहाँ आ जाएगा। सबके बैठने के लिए बाहर एक सिटिंग प्लेस बना दिया है। आज का मौसम बहुत अच्छा है, तो आज मूड ये है कि सब लोग बाहर बैठेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम है आज। और बच्चों के खेलने के लिए ट्रैम्पोलिन भी तैयार है, और गार्डन की घास भी बहुत अच्छी है, तो बच्चे आराम से खेल सकते हैं बाहर। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी धूप निकल रही है। तो बस हम लोग हो चुके हैं तैयार, वेट कर रहे हैं अपने गेस्ट्स के आने का। यहाँ हमने भगवान जी को बिठा दिया है, बिल्कुल सब माला से सारी सजावट कर दी है। भगवान जी के आले में फूल चढ़ा दिए हैं अपने गार्डन में से तोड़ के, और हमने प्रसाद जो बनाया है वो भी भगवान जी के चरणों में रख दिया है, और यही प्रसाद सब भक्तजनों में बांटा जाएगा। जो भी हमारे फ्रेंड्स आएंगे सबको प्रसाद बांटा जाएगा। बाद में भोग लगाने के बाद हमारी हो चुकी है तैयारी, अब बस वेट है हमारे गेस्ट के आने का, और फिर हम स्टार्ट करेंगे पूजा। ये है पूरा व्यू जो हमने भगवान जी के लिए तैयार किया है। थोड़ी देर में करेंगे स्टार्ट पूजा। बजाए सभी बच्चे नाम।